हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भावना सिंह है और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे क्या मेथड्स होते हैं मेजर करने के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सो पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज मेथड लास्ट लेक्चर में। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड, कौन सा मेथड होता है। नाउ ज्योमेट्रिक मेथड भी जो मेथड है हमारा, वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया था, जैसे कि परसेंटेज मेथड दिया था। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर ये जो मेथड है वो यूज होता है क्या मेजर करने के लिए, इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। तो ये इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए होता है डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर। यानी मान लो ये हमारा एक डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ये डिमांड कर्व है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी होने वाली है, ये मेजर करता है ज्योमेट्रिक मेथड। क्या मेजर करता है, ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ जब इनफाइनेटली बहुत ही छोटे चेंजेस हों, जो बहुत ही माइनर चेंजेस हों, जो हम वैसे नहीं बता सकते, जो बहुत ही छोटे चेंजेस हों प्राइस और डिमांड के अंदर, प्राइस और डिमांड के अंदर जब बहुत ही कम चेंजेस हों, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड को और भी नामों से जाना जाता है, इस मेथड को हम ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड या आर्क मेथड भी कहते हैं। क्या, ग्राफिक, पॉइंट या आर्क, आर्क इलास्टिसिटी, ग्राफिक इलास्टिसिटी या पॉइंट इलास्टिसिटी, ये सारे मेथड जो हैं, ये मेथड भी कहा जाता है। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है अलग अलग होती है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर एक सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की। यानी अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो इसके अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग क्या होने वाली है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने वाली है। और उसी इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ होता है। नाउ जो कैसे कैसे मेजर करते हैं किसी भी डिमांड पे, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम इस कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है जब लोअर सेगमेंट, डिमांड कर्व का डिवाइड होता है, डिमांड कर्व का इज डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये डिमांड कर्व है, मान लो हमारी ये अगर हमारी डिमांड कर्व है, आपको एक बड़े डायग्राम में बताऊं, तो इस पे मान लो अलग अलग हमारे पास पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो उन अलग अलग पॉइंट्स पे हमारी इलास्टिसिटी, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, एक यहाँ पे ले लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक बिल्कुल बीच में ले लिया, 3 पॉइंट, 4 एंड 5 पॉइंट मैंने आपको मान लिया ले लिया। तो अब इसमें इलास्टिसिटी क्या होगी, जो लोअर सेगमेंट होगा, मतलब मान लो इस पॉइंट पे अगर हम ए पॉइंट पे, या फिर ए बी सी डी एंड मान लो ये 5 पॉइंट है, अगर बी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी पॉइंट पे क्या होगी, ये है लोअर सेगमेंट, यानी इस पॉइंट के नीचे जितना भी सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट, उसके ऊपर कितना सेगमेंट है, डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट, तो ये क्या है, अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली बी पॉइंट पे तो नीचे भी सेम है, ऊपर भी सेम है, तो सेंटर पॉइंट लिया था मैंने, अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो इलास्टिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी, तो बी पर क्या होगी, 1 होगी। तो यही होता है, क्या होता है यहाँ पे, तो पॉइंट बी पर अगर हम देखें इलास्टिसिटी एट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट B will be is equals to BD divided by EB, और हमें पता है ये दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू 1 है यहाँ पर। सो इसी तरह से निकाला जाता है, इसी तरह से क्या निकाली जाती है, हमारी प्राइस
पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली जाती है, कहूँ आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली जाती है, हमारी ग्राफिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली जाती है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है उस पर अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो यहाँ पे जहाँ पर वन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब वन, यूनिट मतलब वन, आपको पता है यूनिट जहाँ पे भी यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, वन। नाउ हम देखें हाई इलास्टिसिटी डिमांड कहाँ होगी, क्या हाई इलास्टिक डिमांड वो तो वही हर उस पॉइंट पर होगी जहाँ पे जो पॉइंट बी है, हाई इलास्टिक डिमांड का होगी जहाँ पे कि हमारा ऑब्वियसली लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पे हमारा लोअर सेगमेंट ज़्यादा होगा तभी तो हाई आएगी। अब जब हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो हमारा कोई भी क्या कहते हैं जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो हाई इलास्टिक डिमांड कहाँ होगी, ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोअर सेगमेंट बहुत ज़्यादा होगा अपर सेगमेंट हमारा कम होगा, लोअर सेगमेंट ज़्यादा है अपर सेगमेंट कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए जो है वो हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट होगा ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा क्या है, ए पॉइंट पे जो ए डी है हमारा, ए डी इज हायर, ए डी हमारा बड़ा है डिवाइडेड बाय ई ए। तो ये क्या है, ए डी अपॉन ई ए इज ग्रेटर, क्या है, ग्रेटर देन वन, ऑब्वियसली वन से ज़्यादा होगा क्यों, क्योंकि ये तो कम है, ये कम है। अगर कोई भी मान लो अगर मैं आपको फोर लूँ, फोर डिवाइडेड बाय टू लूँ या थ्री डिवाइडेड बाय टू लूँ, तो ऑब्वियसली अगर नीचे वाला पॉइंट कम है ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वन से तो ज़्यादा वैल्यू आने वाली है, वन से तो ज़्यादा वैल्यू ही आने वाली है, वन से ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। तो इसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नाउ लेस इलास्टिक डिमांड कहाँ होगी, लेस इलास्टिक डिमांड वहाँ होगी जहाँ पे हमारा अपर सेगमेंट बड़ा हो लोअर सेगमेंट छोटा हो। लेस इलास्टिक डिमांड कहाँ होगी, जहाँ अपर सेगमेंट हमारा बड़ा हो लोअर सेगमेंट छोटा हो। यानी पॉइंट सी पे देखिए आप, अपर सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, थ्री पार्ट्स है और लोअर सेगमेंट का सिर्फ वन पार्ट है। तो सिमिलरली इसमें हमारा लोअर सेगमेंट सिर्फ सी डी है जो कि छोटा है और ई सी बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो होगी ये क्या होगी, ये लेस देन वन होगी वैल्यू। आपको पता है जब ऊपर की वैल्यू हमारी छोटी हो और नीचे की अगर हमारी वैल्यू बड़ी हो तो हमेशा पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो हमेशा पॉइंट में वैल्यू आएगी, जीरो पॉइंट में वैल्यू आएगी, वन से कम ही वैल्यू आएगी। तो हमेशा ये आप याद रखिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ इसलिए कट करते जा रही हूँ इस चीज़ को। नाउ इसी चीज़ को मैं आपको कहूँ कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगी, ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो हमारी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी ई पॉइंट पर हो सकती है। यानी अगर हम ई पॉइंट पर देखें तो हमने यहाँ पर ए पॉइंट पर देखा, यहाँ पे बी पॉइंट पर देख लिया। अगर हम ई पॉइंट पर देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ई, तो यहाँ पे आप देखिए ई पॉइंट पे हमारा अपर सेगमेंट तो पूरा फोर पार्ट है और लोअर सेगमेंट क्या है, ज़ीरो है। यानी लोअर सेगमेंट तो हमारा ज़ीरो है और अपर सेगमेंट ई डी है। कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हो गया। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या हो गया, इस तरह से डिमांड कर्व आएगा, इस तरह से बन जाएगा डिमांड कर्व। यानी इस पॉइंट से निकलेगा डिमांड कर्व हमारा, समझ रहे हैं आप, आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। नाउ अगर हम देखें परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व जो होगा हमारा एट पॉइंट डी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट
पॉइंट डी, डी हम देखें तो इसमें हम हमारा अपर सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लोअर सेगमेंट ज़ीरो है, लोअर सेगमेंट हमारा ज़ीरो है, डी के ऊपर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, अपर सेगमेंट हमारा पूरा का पूरा है ई डी। तो कोई भी वैल्यू ज़ीरो के से डिवाइड कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर हमारा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है, ज़ीरो ही आता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो कि इस तरह से बनती है, जो कि एक तरह से इस पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होगा मतलब सीधा जाएगा, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होगा मतलब इधर जाएगा, ए से ओरिजिनेट होगा तो लेस इलास्टिक, हाई इलास्टिक, इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। हाई इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा ऐसे टेढ़े में जाएगा, लेस इलास्टिक का मतलब है थोड़ा ऐसे इस तरीके से जाएगा। हाई इलास्टिक मेनली क्या होता है कि थोड़ा फ्लैट कर्व होता है, और लेस इलास्टिक में क्या होता है, थोड़ा स्टीप कर्व होता है, थोड़ा स्टीप कर्व होता है। तो ये आप समझिएगा किस तरह से होता है। तो आई होप मैंने आपको ये बता दिया हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन कर्व में कैसे निकाली जाती है। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं कि रिलेशनशिप क्या होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, ये हमारा यहाँ पे क्या ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म हो गया कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं, दो तरीके से मेजर करते हैं, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अब यहीं पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये आप मानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी है किसी भी गुड की, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो हम करते हैं किसी भी गुड पे, ये दोनों रिलेटेड ही होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्या होता है एट टाइम्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा डिटरमाइन करना कि क्या इफेक्ट होगा हमारा एक्सपेंडिचर का एक गुड पर। जो एक्सपेंडिचर हम किसी भी गुड पर क्या करते हैं, किसी भी मान लो कोई कमोडिटी है इस पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है उसके प्राइस के चेंजेस पे। मान लो उसके चेंज में प्राइस हो रहा है तो हम इस पे कितना खर्चा करेंगे, ये जो इफेक्ट होता है ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है डिमांड की, यानी इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की इन रिलेशन टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंजेस से क्या हमारी इलास्टिसिटी होने वाली है, विच इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये ही डिटरमाइन करती है चेंज इन एक्सपेंडिचर। मैंने क्या कहा, मान लो किसी भी गुड पे हमें कितना खर्चा करना है, ये डिपेंड करता है कि उस गुड का प्राइस कितना चेंज हो रहा है, उसकी प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और जो फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे उसी के हिसाब से हम उस चीज़ पर खर्चा करेंगे। तो ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। अब इस रिलेशनशिप में भी क्या होता है, अगर इलास्टिसिटी हमारी डिमांड की ग्रेटर देन हो वन, ग्रेटर देन वन का मतलब मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि हाई इलास्टिक डिमांड हो, अगर डिमांड हमारी इलास्टिक हो और प्राइस में हमारे क्या हो रहा हो, फॉल हो रहा हो, प्राइस हमारे में प्राइस फॉल, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, विल इंक्रीज। कैसे, इसी केस में अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, अगर यहीं पे अगर हमारा प्राइस अगर यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी प्राइस हमारा फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज करेगा। इट मीन्स जब केस हो हाईली इलास्टिक डिमांड का, जब केस हो हाईली इलास्टिक डिमांड का, ये क्या है, हाईली
इलास्टिक डिमांड, यही तो मैंने आपको बताया था, हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में जो प्राइस है अगर हमारा फॉल करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो रही है डिमांड के साथ। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक स्केड्यूल के फॉर्म में समझाऊँ। यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है कोई भी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर प्राइस हमारा फॉल कर रहा है, 5 से मान लो 4 हो गया प्राइस हमारा, तो क्वांटिटी हमारी क्या है, क्वांटिटी मान ऑब्वियसली प्राइस हमारा कम होता है, क्वांटिटी हमारी बढ़ती है, ये आपको पता है। प्राइस लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे लगेगा, तो 100 से मान लो 140 हो गई, प्राइस हमारा कम हो रहा है, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ पे 500 था अब 560 हो गया है। तो प्राइस के कम होने से हमारा प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर साथ साथ चलेंगे। इसी चीज को आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि मान लो इलास्टिसिटी अगर हमारी लेस देन हो 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी डिमांड हमारी इन इलास्टिक हो, तो क्या होगा, फॉल इन प्राइस से क्या होगा, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा फॉल होगा। टीई है ये गाइस, टीई जो है हमारा, ये भी हमारा फॉल होगा अगर हमारा क्या है, यानी कि हमारा प्राइस के, और यहीं पर अगर मैं वाइज वर्सा की सिचुएशन भी है, प्राइस यहाँ पे अगर इंक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन हो 1 के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, हमारे 1 से कम हो, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड हो। इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में समझाया जाए तो आप देखें, हमारा लेस इलास्टिक डिमांड है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस 5 से 4 हो गया, क्वांटिटी 100 से मान लो 120 हो गई, प्राइस कम होगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स, पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था यहाँ पे 100 से 140 हो गई थी, मतलब ज़्यादा बढ़ गई थी, अब ये उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, यानी कि लेस इलास्टिक है, बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है, तो मतलब 500 की से क्या हो गया हमारा, 480 हो गया, यानी प्राइस कम तो हुआ है लेकिन क्वांटिटी हमारी उतनी नहीं बढ़ी, डिमांड हमारी उतनी नहीं बढ़ी, इसीलिए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ है, इसलिए हमारा क्या हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ है। इसी केस में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारी 1 हो, यानी यूनिटरी इलास्टिक हो, तो या तो फॉल हो रहा है प्राइस और राइज हो रहा है प्राइस, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पर, इससे नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी बढ़ने से भी और कम होने से भी, यानी यूनिटरी बढ़नी चाहिए हमारी डिमांड। अगर यहाँ पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी 5, प्राइस हमारा 5 है और क्वांटिटी हमारी 4 है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, तो हमारी इसमें मतलब हमारा कितना 25% है एक तरह से, है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी हम 25% ही इंक्रीज करें, 100 से मान लो 125 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारी क्या होगी, 500 एंड 4 इंटू 125 इज 500, ये भी
500 होगा, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, या तो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी केस में अगर मैं आपको कहूँ, इसी केस में ये हमने कितने केस पढ़ लिए, यहाँ पे हमने तीन केसेस पढ़ लिए, या तो हमारा ग्रेटर हो, स्मॉलर हो या इक्वल टू हो, यानी यहाँ पे इलास्टिक हो, वहाँ पे क्या हो, इन इलास्टिक हो, यहाँ पे लेस इलास्टिक का मतलब है इन इलास्टिक, ठीक है, वहाँ पे इलास्टिक हो और यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक हो। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक और मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। क्या मेथड होता है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है, ये भी हमारा प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया था। जैसे कि हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड दोनों प्रोफेसर मार्शल ने दिए थे, सॉरी, ये मेथड भी हमारा प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया था, सॉरी। इस मेथड के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो मेजर होती है जब हम कंपेयर करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को, क्या हो रहा है, मतलब किसी भी कमोडिटी पे हम कितना खर्च कर रहे हैं उसके प्राइस चेंज होने से पहले और प्राइस चेंज होने के बाद, इन चीज़ों को अगर हम मेजर करें तो तीन पॉसिबिलिटीज आती है। क्या आती है, तीन पॉसिबिलिटीज आती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ग्रेटर देन वन हो। ये कब होता है, जब ये कब होता है ग्रेटर देन वन, जब टोटल एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। सेकेंड है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन हो, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू वन हो, तो मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज होगा यहाँ तो। थर्ड मेथड है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस हो वन से, तो हमारा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। ये मैंने आपको क्या, ये जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पे, इसमें लेस देन वन है तो डायरेक्टली हो रहा है, प्राइस फॉल करेगा टीई फॉल करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा टीई इंक्रीज करेगा, यही चीज़ है, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है डायरेक्टली। और यहीं पे अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि अभी जो हमने वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ी थी, ये इसी तरह से पढ़ी थी कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे 5400 से मान लो 140 हो रहा हो तो 500 से हमारा 560 हो गया था। यही पढ़ा था हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन के केसेस में, ग्रेटर देन वन के केसेस में पढ़ा था, यानी इनवर्सली रिलेटेड है। यहाँ पे अगर प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा फॉल कर रहा था, यहाँ पे प्राइस हमारा फॉल कर रहा है, इधर फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इन्वर्स हो रहा है। और यहाँ पे इक्वल, जब जब इक्वल का केस हो तो यूनिटरी इलास्टिक होता है। इसी चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके बताऊँ, इसी चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताऊँ तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि अगर ऐसा, अगर इस तरह से कर्व बन रहा है तो ये क्या हो गया, लेस इलास्टिक है। क्या है हमारा ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पर हमारी ग्रेटर देन है वन के, यानी कि हमारी इलास्टिक डिमांड है। मतलब इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक को हम रबर बैंड लेते हैं तो इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से अगर हम खींच रहे हैं तो क्या है, इलास्टिक है। अगर वो नहीं खींच पा रहा है, अगर वो नहीं खींच पा रहा तो इनइलास्टिक होता है। तो
इस तरह से अगर वो खिंच रहा है तो मतलब क्या है, इलास्टिक है। अगर वो बिल्कुल सीधा चल रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे इक्वल टू वन है हमारी, यानी सेम सेम चल रहा है। और इसी केस में अगर ये किस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के केस में समझा रही हूँ आपको, प्लीज़ आप याद रखिएगा, अगर इस तरह से होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन वन होती है, ये है इसके केस में। और यहाँ से यहाँ तक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन है और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन है। तो यही है अगर यहाँ पे हम प्राइस ले लें और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ले लें। ये रुपीस में होगा, प्राइस भी रुपीस में होगा, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है। आई होप आपको समझ आया हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से क्या मेजर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, डिग्रीज क्या क्या होती हैं, हाई इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, यही सब, और डायग्राम के साथ पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन गाइज, होप यू आर डूइंग वेल, एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।